हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में लेके आए हैं अपने यहाँ की सबसे फेमस रेसिपी। तो हमारे यहाँ सबसे फेमस रेसिपी है लिट्टी और चोखा। जो हमारे यहाँ जब कभी भी किसी अच्छे खाने की बात होती है ना, तो उसे सबसे पहले उसमें आता है लिट्टी और चोखा। गांव में तो हम लोग लिट्टी चोखा जो है क्या करते हैं ना, कंडे पे बनाते हैं, उसको आग पे सेक के बनाते हैं। तो यहाँ पे बाहर तो हम लोग इसको आग पे सेक के बना नहीं सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना फ्राई करके बनाऊंगी। जो लिट्टी है ना उसे हम फ्राई करके बनाएंगे, और चोखा की रेसिपी मैं इस तरह से मैं आपको बताऊंगी ना, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनके रेडी होगा, और लिट्टी भी हमारी बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होगी। इसे बनाना इतना आसान है ना, जब भी आप मतलब किसी को भी बना के इस रेसिपी को खिलाएंगे ना, तो वो दोबारा आपसे इस रेसिपी की ज़रूर डिमांड करेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर चना, और चना के हमने सारे छिलके हटा दिए। अब इसे हमें मिक्सर जार में डाल के एकदम जो इसका पाउडर बना लेना है। खूब अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे, बहुत आसानी से पीस के रेडी भी हो जाता है यहाँ पे। तो अभी से हमें क्या करना है, एक बड़े बर्तन में निकालना है। यहाँ पे मैंने डेढ़ कटोरी चना लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 बड़े साइज के प्याज, जिसको हमने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज। डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया हरी मिर्च, अदरक और लहसुन बारीक बारीक काट के हमने डाल दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी धनिया। इसके बाद हमने ले लिया 1 चम्मच जो है अजवाइन। अजवाइन को हाथों पर रगड़ के इस तरह से हम इसमें डालेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया 2-3 चम्मच सरसों का तेल। तो इसमें जो है ना सरसों के तेल का ही यूज करना है, रिफाइंड हमें नहीं डालना है। सरसों का तेल डालने के बाद अब इसको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले तो मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया, फिर इसके बाद ये इसको मैंने हाथों से मसल मसल के इस तरह से मिक्स किया। इससे क्या होता है ना, प्याज जो है ना प्याज के जो पीसेज है ना वो एकदम अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो है खूब अच्छी तरह से एकदम मिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं ढक के एक तरफ रख दूँगी। अब हमें यहाँ पर लगाना है बाटी के लिए आटा। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 2 बाउल आटा, और इसमें मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1/2 चम्मच के करीब नमक। 1/2 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन, हाथों पे रगड़ के इसको इस तरह से हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। और 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे मोयम के लिए तेल। अगर आप यहाँ पे चाहे तो इसमें मैदा की भी लगा सकते हैं यहाँ पे आटा, लेकिन हमने गेहूँ के आटे में ही बनाया है। अब इसे हम मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बना के रेडी कर लेंगे। रोटी से थोड़ा सख्त यहाँ पे डो बनाना है हमें, रोटी की तरह सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। तो अब इसे हम पानी लगा के खूब अच्छी तरह से मसल मसल के गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आटा जो है ना खूब अच्छी तरह से गूँथ लिया है, और आटा जो है हमारा यहाँ पर गूँथ के रेडी भी हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मतलब ये बाटी की हमारी पूरी तैयारी हो गई। अब हमें यहाँ पर भरता की तैयारी करना है। तो अब मैंने गैस पे रख दिया है इस तरह से एक जाल, और उस ले लिया है मैंने बैगन। बैगन में तो पहले हम लगा देंगे तेल, और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा कहीं पे भी बीच में एक कट मतलब चीरा लगा देंगे। इससे क्या होता है ना, बैगन आसानी से भुन जाता है। अब इस पे हम सारे बैगन को रख देंगे। मुझे जो है भरता वाले बैगन नहीं मिले, इसलिए मैंने इसी बैगन का भरता यहाँ पर बना के तैयार किया है। अब इसे हमें क्या करना है ना, इस तरह से घुमा घुमा के इसको भुनना है अच्छी तरह से। इसको भुनने में 5 से 6 मिनट यहाँ पे लग जाता है। तो अब इसी तरह से हम इसको भुनेंगे घुमा घुमा के, और ताकि ये खूब अच्छी तरह से भुन जाए। और जो भुन जाएगा बैगन उसे हम एक प्लेट पे निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे एक बैगन भुन गया था, तो मैंने इसको हटा दिया, और बाकी के भी बैगन हम इसी तरह से भुन के यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो लगभग यहाँ पर हमारे सारे बैगन भुन गए हैं। तो अब सारे बैगनों को मैं एक प्लेट में उठा लूँगी और इसे रख दूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो मैंने इसको 2-4 मिनट के लिए रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये मतलब कि हाथों से छूने लायक हो गया, तो अब मैं इसे क्या करूँगी ना, इस तरह से इसके सारे छिलके उतार लूँगी। अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, तो बैगन क्या होता है, बैगन में कीड़े भी लग जाते हैं। तो अब क्या करिए, खूब अच्छे से इसको साफ करके, और इसको अच्छी तरह से हम इसको अंदर देख लेंगे कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। तो अब इसे इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे बैगन को साफ़ कर लेना। बहुत ही आसानी से इसका सारे छिलका यहाँ पर उतर जाता है। इसे हमें पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको पानी से धुल देंगे ना, तो इसमें क्या होगा ना, पानी पानी सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसे हमें पानी से धुलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके छिलकों को हाथों से उतार दीजिए इस तरह से। बहुत आसानी से ये छिलका यहाँ पे उतर जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बैगन को छील लिया है खूब अच्छी तरह से, ये देखिए। तो अब हमने यहाँ पर बैगन को लगाना है तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, सारी चीज़ों को कट करके हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्याज, अदरक, लहसुन,
हरी मिर्च और हरी धनिया, और उसके साथ हमने ले लिया है 4-5 यहाँ पे बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसे हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो टमाटर का जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर यहाँ पे आने वाला है। तो अब पैन में हम रख देंगे 2 चम्मच के करीब तेल और गैस को ऑन कर देंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। 1/2 चम्मच के करीब जब ये जीरा तिड़कने लगेगा ना, इसमें हम डाल देंगे राई। राई डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे अदरक और लहसुन। पहले इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम थोड़ी देर तक भून लेंगे, फिर उसके बाद जब हरी मिर्च थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे प्याज को डाल देना है। प्याज डाल के भी हम इसको खूब अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे। इसको हमें ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लेना है, जिससे कि इसमें एकदम ब्राउन सा कलर आ जाए, एकदम डार्क ब्राउन भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने प्याज को भून लिया, उसके बाद हम यहाँ पे सारे टमाटर भी डाल दिए। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे घुल जाएगा और बहुत ही जल्दी से पक के भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नमक डाल के मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, जिससे कि टमाटर बहुत ही जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 2 मिनट हो गया है, तो ये देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको मसल के खूब चला देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैं ऐसे जैसे इसको चला रही हूँ एकदम से पूरा एकदम घुल जा रहा है, यानी टमाटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इसको हम खूब अच्छी तरह से मसल के चलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे टमाटर को मिक्स भी कर लिया है, हमें यहाँ पर कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी बैंगन, जो हमने भून के रखा हुआ है ना, उस बैंगन को हम यहाँ पर डाल देंगे। बैगन डालने के बाद अब इसे भी हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पे बिना मसाले के ये बैगन का भरता बना के तैयार करूँगी, सच में बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी भरता हमारा बन के रेडी होगा। तो बैगन डाल के मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसे भी हम कवर करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि बैगन में भी सारी कि मिर्च नमक सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। तो 1 से 1.5 मिनट बाद हमने इसको फिर से कवर को हटाया। अब बैगन का जो है ना भरता जो है यहाँ पे, बैगन टमाटर का भरता यहाँ पे बनके रेडी हो गया। आप इसके कलर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैगन का भरता कितना टेस्टी बनके यहाँ पे रेडी हुआ है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे डाल दिया है बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया भी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बैगन का भरता भी बन के हो गया है रेडी। अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे साइड में। अब हम बनाना है बाटी, तो चलिए अब हम बाटी बनाना शुरू करते हैं। अब हमें लेना है इस तरह से आटे के पेड़े, छोटे छोटे, आप जितने बड़े शेप में बनाना चाहते हैं ना उतने बड़े शेप में बनाइए। मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी, पूड़ी के शेप का मैंने यहाँ पे ले लिया आटा। इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, तो मैं यहाँ पे घर पे बना रही हूँ, तो इसमें खूब ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे, क्योंकि इसे हमें घर पर खाना है, मार्केट में हम बेच नहीं रहे हैं कि इसको हम थोड़ा थोड़ा सा भरें। अब इसे हमें इस तरह से, जिस तरह हम आलू के पराठे भरते हैं ना, स्टफिंग करते हैं ना, उसी तरह से हमें भर के इसको इस तरह से गोल कर लेना है और इसे एक प्लेट पे रख देना है। तो यहाँ पे मैं एक और आपको भर के दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इस तरह से हमें बना लेना। यहाँ पे हमें चकला बेलन की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसको एक अंगूठे से, एक हाथ के अंगूठे से हम इसको दबाते रहेंगे और दूसरी तरह हाथ से इस तरह से घुमा घुमा के हम इसको रोल करते रहेंगे। बहुत ही आसानी से बन के यहाँ पे बाटी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने यहाँ पे बाटी बना के तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे सारी बाटियों को बना के रेडी करेंगे। जब हम सारी बाटियाँ बना के यहाँ पे रेडी कर लेते हैं ना, तो उसको फ्राई करने में बहुत ही आसानी होता है। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी बाटियाँ यहाँ पे बना के तैयारी कर ली है। अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन में रख दिया है तेल। तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे बाटी। जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तो आँच को हम फिर हल्की कर देंगे, ताकि बाटी जो है तुरंत डालते ही ब्राउन ना हो जाए। और इसको हम जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसको पलट पलट के इसको हम पकाएंगे, ताकि आटा हमारा खूब अंदर तक भी अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि एक साइड जो जिस साइड से हम बंद करते हैं ना, उस साइड थोड़ा आटा को जो है ना मोटा होता है, तो उसे हम पकाएंगे जब हल्की आँच पर, तो बहुत अच्छी तरह से वो पक जाएगा। तब यहाँ पर हम बाटी को जो है ना ऐसे पलट पलट के पकाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आने लगा है। बाटी हमारा जो है यहाँ पे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है।
तो इसी तरह से हम इसको हल्की आंच पे ही पकाएंगे ताकि बाटी हमारी बहुत ही टेस्टी बने। बहुत लोग जो है इस बाटी को जो है गेहूं के आटे की जगह मैदे में बनाते हैं, तो मैदा जो है कि घर में इतना अच्छा नहीं होता है बनाना। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, टेस्टी और हेल्दी, तो आप इसको गेहूं के आटे में ही बनाएं। तो यहाँ पे हमने एक बार जो है बाटी को फ्राई कर लिया है, अब दूसरी बार हमें बाटी को फ्राई करना है। तो हमने यहाँ पे सारी बाटियाँ बना के पहले ही रेडी कर लिए हैं, अब इसे सिर्फ फ्राई करना है। फ्राई करने पे क्या होता है ना कि जब इसको हम सारा बना के रेडी कर लेते हैं ना, तो जब हम सर्व करते हैं खाना तो बहुत ही आसानी से फटाफट सर्व होते रहता है। तो ये देखिए हमारी दूसरी बैच की भी ये बाटी यहाँ पे हो गई है फ्राई। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और हम चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक प्लेट, उसमें हमने डाल दिया बैंगन का भरता। बैंगन का भरता देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, मुँह में पानी आ जा रहा है। और उसके बाद बैंगन का भरता के साथ मैंने यहाँ पे बनाया है परवल की चटनी। तो मैंने परवल की चटनी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की है एक दिन पहले, तो आप उसे भी जाके देखिए कि हम किस तरह से परवल की चटनी बनाते हैं। अब बैंगन का भरता, परवल की चटनी और चने की बाटी बनके यहाँ पे हो गई है रेडी। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, इसको मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसे जो है ना मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसमें काफ़ी स्टफिंग किया गया है, मसाले इसमें हमने खूब भरे हैं, अब इसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करके खाएं। तो अगर आपको हमारी जो है बैगन टमाटर का भरता और संग में बाटी अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, और हो सके तो आप इसे शेयर भी करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।